जुड़ा हूँ सन 75 से। सन 75 से आप यहाँ पर रहते हैं। कितने दिन पुराना है? कितने कब इसकी नींव कब रखी गई? ये बहुत पुराना हो गया, कम से कम भी हो गया शायद मेरे ख्याल से 40-50-60 वर्ष पहले। यहाँ किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो? सारे सब्जेक्ट की पर मेन संस्कृत की पढ़ रहे हैं। सारे सब्जेक्ट की मेन संस्कृत है। कुलदीप कहाँ के रहने वाले हो? बिजनौर। कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ाई करके? अच्छा। तो यहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ओम ओम प्राणा प्राणा ओम चक्षु चक्षु ओम सत्रम सत्रम। पर लक्षक रह गए, इस जिले पर एक संस्कृत महाविद्यालय भी स्थित है जिसके जहां पर कुछ स्टूडेंट बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए। यहां पे संस्कृत की अच्छी जानकारी अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई मिल जाए उनसे बात करने की, किस तरह का माहौल बच्चों के लिए यहाँ पे है, किस तरह की पढ़ाई कराई जाती है और क्या क्या सुविधा बच्चों को यहाँ पे दी जाती है, उसकी जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये संस्कृत महाविद्यालय बहुत ही प्राचीन काल से यहाँ पे चलता आ रहा है और अब इसका किसी समिति के द्वारा इसका रख रखाव और इसका मेंटेनेंस वहाँ पे उस समिति के द्वारा कराया जाता है। जी नमस्कार। महादेव हर हर महादेव। जय हो जय हो जय हो नारायण। यहाँ के ही रहने वाले हो? गांव है 10 किलोमीटर। इस संस्कृत महाविद्यालय के बारे में लक्षक रह के बारे में क्या जानते हैं? जानते हैं बहुत पहले से यहाँ कृष्ण ब्रह्मचारी आए थे। इससे पहले कुछ नहीं था तो कृष्ण ब्रह्मचारी जो नाद हिला के प्रवचन कर देते, जिनके सिर जिनकी आत्मा शनि ऋषि की थी, मैं बहुत उनके संपर्क में रहा। ये उनका जो बनना है चित्र बनना है बहुत कई वर्ष तक संपर्क में रहा, कई वर्ष तक आता जाता रहा। उन्होंने विद्यालय करा, धीरे धीरे आए महानंद जी ही उस पर रहते थे तपस्या में। उन्होंने लोगों को लाया गया, बहुत बड़ी कहानी है। तो उनका यहाँ था वो बरात में आए, यहाँ बरात में आए तो बरात में आने के बाद में वहाँ फूल तोड़ने लगे कृष्ण ब्रह्मचारी लाए, तो उन्होंने अपना मनोरंजन करने के लिए लोग बाग क्या भी उसमें रहते थे खुरमपुर में, खुरमपुर का इनका जन्म था तो लोग लिया इनका जन्म वो मनोरंजन होगा इसलिए चलो मैं आपकी जगह आऊंगी नाड़ा का प्रवचन करेगा इस तरह समझ रहा। तो यहाँ महानंद जी मिली मैं। अच्छा। तो फिर रात को प्रवचन में आया ही बरना बढ़िया रहती थी बरात में। तो इनको समझरा इनको गुरु जी आज तो बहुत बहुत लंबे समय के बाद में आपके दर्शन हुए, लाखों वर्ष हो गए कहाँ थे कैसे महानंद जी जो उनके शिष्य थे। तो बस यहाँ फिर ये जो महाविद्यालय है कितने दिन पुराना है? कितने कब इसकी नींव कब रखी गई थी? ये बहुत पुराना हो गया, कम से कम भी हो गया शायद मेरे ख्याल से 40-50-60 वर्ष पहले, मतलब आजादी के बाद। आजादी के बाद अभी की बात है। भाई जी है यही जो उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। भाई जी आपका नाम? मेरा नाम दित्य शर्मा जी। अच्छा तो गुरु जी के साथ पहली बार आज। तो गुरु जी ने आपको क्या बताया था यहाँ आने के लिए? जी मैं तो अभी हमारे यहाँ नजदीक की बात है, सब चलते रहे। अभी हमारे पंच में होने चला, अभी इसमें फागण में शुक्ल पक्ष में 8 दिन तक यज्ञ होता है हर वर्ष हर वर्ष। आपके कितने आदमी जुड़ जाते होंगे? बहुत आदमी जुड़ गया, लाखों आदमी, बहुत लाखों तो नहीं है पर हजारों में जुड़ जाते हैं। ये खाना होता है ये होता है। और चलो भाई जी के पास जी 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 और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे हम। महादेव ये यहाँ के कर्मचारी हैं, यही परमानेंट ब्रह्मचारी के सामने से आज तक ये व्यक्ति यही रहता है। नमस्कार बाबू जी, कैसे हो आप? ये भाई जी हैं हमारे, ऐ मेरे भाई जी। और जी 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 एक मिनट का आपको समझ, कैसे हैं आप? कितने दिन से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? 300 साल है। 300 साल जुड़ा हूँ सन 75 से। सन 75 से आप यहाँ पे रहते हैं। मतलब आपको यहाँ पे रहने की, यहाँ की सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? वो तो परमात्मा से प्रेरणा है ना। तो पहले इनकी जो ताई थी ब्रह्मचारी जी की, वो हमारे गांव की लड़की थी। अच्छा। तो अपने गाँव में मैंने इनके प्रवचन सुने थे एक बार बस, केवल बचपन में, फिर सब भूल भाल गए। फिर बाद में बस पता लगता रहा तब मैं संक्षिप्त नहीं आया था। अगर यहाँ पे आसपास के लोग बाग आपके जो ज्ञान है उससे प्रभावित होकर कुछ कराना चाहते हैं, जैसे कोई यज्ञ कराना चाहते हैं, कोई हवन कराना चाहते हैं, कोई कथा कराना चाहते हैं, तो यहाँ से संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी समय
जाते हैं, कैसे जाते हैं? हाँ, आगे तक जाते हैं, मथुरा है, आगरा है, बरेली है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैंने बरनामे में लाक्षक रह पर विजिट किया है और काफी चीजें आपको समझाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ पे एक संस्कृत महाविद्यालय है, इसमें भी हम आए थे, कुछ यहाँ के कुछ छात्र हैं और यहाँ के कुछ अध्यापक हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की थी। इस महाविद्यालय में समय 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 पे यज्ञ भी होते रहते हैं, जैसा कि यज्ञ कुंड या हवन कुंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कुछ छात्र है हमारे साथ में, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? पार्थ। पार्थ कहाँ के रहने वाले हो? हापुड़ के। हापुड़ के। ये यहाँ किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो? सारे सब्जेक्ट की, पर मेन संस्कृत की पढ़ रहे हैं। सारे सब्जेक्ट की, मेन संस्कृत है। तो मतलब आपके माता पिता ने आपको यहाँ भेजा है पढ़ने के लिए? हाँ जी। तो आपको जब आप आए थे यहाँ पे सबसे मन लग गया था? हाँ जी। अब कैसा माहौल है, कैसा लगता है आपको यहाँ रह के? सही लगता है। घर पे कब कब जाते हैं? जब छुट्टी पड़ती है। कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं? ऑल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के नाम बताओ। विज्ञान, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। हाँ, मतलब सारे सब्जेक्ट हैं। एनसीईआरटी जो पैटर्न होता है उसको फॉलो करती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। अब और बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? कुलदीप। कुलदीप कहाँ के रहने वाले हो? बिजनौर। बिजनौर। कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ाई करके? अच्छा। और स्कूलों से यहाँ पे क्या चीजें अलग मिली आपको? यहाँ पे बहुत कुछ अलग लगा। क्या, फिर एक दो चीज बताओ जो मन में है। यहाँ पे आईएएस के बारे में जानने को मिला जी। हाँ। शांति से भी मिला जी, घर शांति शांति मिला जी। अच्छा, कोई एक मंत्र बता सकते हो या कोई गायत्री मंत्र बता सकते हो? ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? हर्ष। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? शामली। अच्छा, शामली। यहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ज्ञान भी बढ़ रहा है कुछ? हाँ जी। किताबी ज्ञान में और यहाँ के ज्ञान में कुछ फर्क है? हाँ जी। बहुत बढ़िया, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। अब हमने काफी छात्रों से यहाँ पे बात की है, अब हम आपको तस्वीरों के माध्यम से यहाँ के विद्यालय की तस्वीरें आपको दिखा के बताना चाह रहे हैं कि यहाँ का माहौल क्या है, कितना शांति प्रिय माहौल है। जब मैं यहाँ पे आया था अभी कुछ देर पहले तो मेरा मन एकदम शांत हो गया था यहाँ के वातावरण को देखते हुए, बड़ा अच्छा लगा। और मैं आपको भी सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, आप एक बार यहाँ पे आए और यहाँ पे बच्चों को की पढ़ाई और उनका ज्ञान आप देखिए कि उनका ज्ञान कैसा है, वो किस तरह से बात करते हैं, कितने अच्छे स्वभाव के हैं। ये किस संस्कृत महाविद्यालय बहुत प्राचीन काल से है। आपका क्या नाम है? ओम सिंह। ओम सिंह जी, आप क्या करते हैं यहाँ पे? गुरुकुल पढ़ते हैं। गुरुकुल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शाहजहानपुर। दिनचर्या के बारे में बताएं। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवी रविष्ठया आपो भवन्तु पीतये संयो रविषवन्तु न। ओम बक बक। ओम प्राण प्राण। ओम चक्षु चक्षु। ओम सत्रम सत्रम। ओम नाभि। ओम हृदयम्। ओम कंठ। ओम शिरः। ओम भव्याम यशो बलम्। ओम करतले करप्रष्ठ। ओम भू पुनातु शिरसि भुवे पुनातु नेत्रय। ओम सहेतु कंठे। ओम जनेह पुनातु नाभ्याम तपेह पुनातु पादयो सतम पुनात पुनः शिरसि। ओम खग्रम पुनातु सर्वत्र भू। ओम भुवे। ओम स्वे। ओम महे। ओम जने। ओम तपे। ओम सत्यम। ओम रीतं च सत्यं चाविदात जायते ततो रात जायते ततः सम। और पवन
ओम समुद्रादयवा दधी समसरो अजायत अहोरा प्राणी विदधामिषतो वशि ओम सूर्या तन्दमसौ यथा पूर्वम कल्पादिवं च पृथिवीं चान्तरिषौ मतौ स्वाहा ओम प्राचीदिकग्निरधिपतिरचितो रचिताधित्वाय देव्यो नमो रक्षिद्भ्यो नमः इषिभ्यो ओम दक्षिणाधिगंधोधिपतिरचिता पितरः सवः देव्यो नमो रक्षिद्भ्यो नमः इषिभ्यो ईभ्योऽस्तु यो अस्मान्दस्तियं वयं विश्वसम्भोजं मे दद्मा ॐ प्रतीचीदुवरुणो पदाको रक्षितान्नमि शवः।